दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वरिष्ठ आईटी एग्जीक्यूटिव और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य अधिकारी सत्य नडेला के बारे में बात करेंगे। सत्य नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। सत्य नडेला एक ऐसे भारतीय मूल के नागरिक है जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वह इस समय दुनिया के सबसे चर्चित सीईओ में से एक है। दोस्तों सत्य नडेला कौन है यह तो हम सभी जान ही चुके हैं। आगे इस वीडियो में हम सत्य नडेला के परिवार, शिक्षा, करियर, सैलरी और नेटवर्थ सहित अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य अधिकारी सत्य नडेला का जन्म 19 अगस्त 1963 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। सत्य नडेला का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ है। सत्य नडेला के पिता का नाम बुकपुर्म नडेला है। बुकपुर्म नडेला एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में एक अधिकारी थे और उनकी माता प्रभाती युंगधर पेशे से एक लेक्चरार थी। सत्य नडेला की पत्नी का नाम अनुपमा नडेला है। सत्य और अनुपमा ने साल 1992 में शादी की थी। सत्य और अनुपमा के दो बेटियां और एक बेटे थे, लेकिन मार्च 2022 में उनके बेटे जैन नडेला किसी बीमारी के चलते मर गए। सत्य नडेला ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी की है। इसके बाद सत्य नडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने पहले अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में एमएस किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए की डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सत्य नडेला साल 1992 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ बतौर युवा इंजीनियर काम करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के दौरान सत्य नडेला ने कई योजनाओं पर काम किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग का नेतृत्व किया और कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य नडेला की काबिलियत को देखते हुए साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सर्वर एंड टूल्स डिवीजन के अध्यक्ष जैसे पदों पर भी काम किए। माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए सत्य नडेला ने उसे एक नई दिशा दी। सत्य नडेला की इसी मेहनत और लगन के कारण उन्हें साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया। यूएसए टुडे के दिसंबर 2020 के अंक में दी गई जानकारी के अनुसार सत्य नडेला को साल 2019 में सैलरी पैकेज के रूप में $42.9 मिलियन यानी लगभग 306 करोड़ रुपए के आसपास थे। साल 2021 तक सत्य नडेला के नेटवर्थ 3,084 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 8,00,000 शेयर भी है जिनकी वैल्यू लगभग 833 करोड़ रुपए हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सत्य नडेला जी की ये जीवनी आप सभी को पसंद आई हो। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो या कुछ पॉइंट्स आपके काम आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।